हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन अकेडमी छिंदवाड़ा। यदि स्टूडेंट्स आप मध्य प्रदेश में वेटनरी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप दे सकते हैं एडेड का एग्जाम। जी हाँ स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए ये आप लोगों का 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। तो स्टूडेंट्स PVFT एग्जाम के थ्रू भी आप जो हैं ठीक है डिग्री कोर्स कर सकते थे। तो अब आपके पास में ऑप्शन है कि आप जो है डिप्लोमा कोर्स करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में आपकी जो AVFO की वैकेंसी निकलती है ठीक है, ये स्टूडेंट्स ग्रुप 5 की जो वैकेंसी है आप लोगों की, ये डिप्लोमा या डिग्री बेस पर निकलती है। तो आप 2 वर्ष के डिप्लोमा कोर्स को करके भी सरकारी जॉब ले सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्म आएंगे स्टूडेंट्स आप लोगों के अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आते हैं। हम आपको ठीक है बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले और सटीक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम होगा आप लोगों का, स्टेट लेवल एग्जाम होता है, केवल मध्य प्रदेश के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और एग्जाम जो है स्टूडेंट्स आप लोगों के जून के लास्ट में कंडक्ट करा लिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट्स इसकी pev.mp.gov.in, या आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर व्यापम। जी हाँ स्टूडेंट्स, व्यापम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। अब स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरने के लिए जनरल वालों को ₹400 लगेंगे, ST SC OBC वालों को इस फॉर्म को भरने के लिए ₹200 लगेंगे। तो आप फॉर्म आप जो है ऑनलाइन ही फिल करेंगे। जब आपके फॉर्म अप्रैल में आ जाएंगे तो हम आप लोगों को ठीक है बता देंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए 12th में स्टूडेंट्स आप लोगों का या तो मैथ सब्जेक्ट हो, या तो बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, या तो आप लोगों का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो। तो 12th रनिंग यदि आप हैं, 12वीं यदि आप अभी पढ़ रहे हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आप 12th पास आउट हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म जो फिल होते हैं आप लोगों के किसी भी गवर्नमेंट जॉब के या एंट्रेंस एग्ज़ाम के 10th की मार्कशीट के बेस पर होते हैं। 12th की मार्कशीट जब आपका रिजल्ट आ जाता है, आप पास हो जाते हैं, तो तब आपकी मार्कशीट लगती है जुलाई अगस्त के समय में। अभी आपकी मार्कशीट नहीं लगेगी। तो केवल 12th आप रनिंग हैं या 12th पास आउट भी हो चुके हैं, गैप भी हो चुका है 12th के बाद में, तो भी आप इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स फॉर्म भरते समय आप लोगों की जो मिनिमम आयु है वो 17 वर्ष हो जानी चाहिए। मतलब यदि आप 16 साल के हो चुके हैं ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में मैक्सिमम एज जो है 28 वर्ष है। कैटेगरी वाइज एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा ठीक है, कैटेगरी वाइज में 5 साल अलग से और जुड़ जाता है। फिर आप 33 वर्ष तक जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेबस में क्या है, तो स्टूडेंट सिलेबस में आप लोगों से फिजिक्स आता है 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलते हैं आप लोगों को, गलत क्वेश्चन करने पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिजिक्स के भी 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के लिए, केमिस्ट्री के भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए, और आपकी जनरल स्टडी जिसे हम लोग GK बोलते हैं ठीक है 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के लिए। तो 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के लिए ठीक है। 2 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों को, 2 घंटे में आप लोगों को ठीक है 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आप लोगों को। स्टूडेंट्स जो पेपर ऑनलाइन होगा जिसमें आप लोगों को पेन और पेपर दिए जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और जो भी आपका करेक्ट आंसर आएगा उसे स्टूडेंट्स आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिए गए 4 ऑप्शन में से एक पर टिक करके ठीक है आगे बढ़ती हुई चलना है। तो कंप्यूटर बेस्ड ये आपका एग्जाम होगा ठीक है, जिसके लिए आपको कंप्यूटर चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। केवल आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखेंगे और आपको ऐसे माउस की सहायता से केवल टिक करना रहता है जो भी आपका आंसर आता है ठीक है। तो इसके लिए आप घबराइएगा मत। जिन लोगों ने पहली बार कंप्यूटर पर बैठेंगे तो उन्हें डर लगता है, तो इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। सिलेबस में स्टूडेंट्स आप लोगों से फिजिक्स आएगा, यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और आयाम, वेव्स आप लोगों से आता है, तरंग किसे कहते हैं हम लोग, इसके बाद में ग्रेविटी आप लोगों से पेपर में आता है, कंडक्टर आपसे पेपर में आता है ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, की श्रृंखला क्या होता है, समांतर प्रतिरोध ठीक है, ये आप लोगों से पेपर में आता है धाराओं पर बेस्ड। इसके बाद में इलेक्ट्रिक पावर आता है, विद्युत शक्ति क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स के नियम क्या चीज़ें होती हैं, रासायनिक प्रभाव क्या होता है, हीट्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कूलम्स नियम ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ें होती हैं, आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में भी हम आगे चर्चा करें आप लोगों से, तो आप लोगों से मैग्नेट पेपर में पूछा जाता है, चुंबकीय बार मैग्नेट क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, बार मैग्नेट क्या चीज़ें हैं,
मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टैगेंड गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों से चुंबक पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 9 यूनिट्स है स्टूडेंट जो आप लोगों से फिजिक्स में आती है, और इनके जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आप लोगों को पुराने ही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इनके जो क्वेश्चन है वो एडवांस पेपर में पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री पर यदि हम चर्चा करें आप लोगों से, तो जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री आती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद में आपका BVT है, MOT क्या चीज़ होती है, सॉलिड स्टेट क्या होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आपसे आता है, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होते हैं, ये सब आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें स्टूडेंट्स आप लोगों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप लोगों से कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर प्रिपरेशन, ठीक है, ये आपसे पेपर में आता है। इसके बाद में एल्काइन, एल्कलीन, ठीक है, एल्काइल, बेंजीन, पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑक्टेन नंबर, गैसोलीन, ठीक है, एडिटिव्स, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ, ठीक है, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, एमीन, नाइट्रोजन कंपाउंड, पॉलीमर, क्लासिफिकेशन आपसे आता है नोमेनक्लेचर का, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ कॉमन, ठीक है, एंड नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल पर बेस आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन होते हैं, कार्बनिक रसायन, अनुभवन्जय, आणविक सूत्र क्या होता है, ठीक है, आपसे नामकरण आता है IUPAC का, ऑक्टेन नंबर, बेंजीन, पेट्रोलियम, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों से प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, केमिकल पीरियडिसिटी, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल एनालिसिस, ये आप लोगों के, ठीक है, टॉपिक होते हैं। तो अकार्बनिक रसायन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है केमिस्ट्री में, धातु कर्म संचालन के सिद्धांत, रासायनिक आवधिता, तत्वों का तुल्यात्मक अध्ययन, संक्रमण धातु, समन्वय यौगिक, रासायनिक विश्लेषण, ये आप लोगों के टॉपिक होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से GK में जो है सामान्य साइंस आती है, एनवायरनमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब सामान्य विज्ञान और पर्यावरण क्या चीज़ें होती हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं MP के, तो मध्य प्रदेश का भूगोल आपको पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री है, खेल है, संस्कृति पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर बेस्ड। इसके बाद में स्टूडेंट्स 11-12 तक में आप लोगों के बुक में जो भी GK के क्वेश्चन बने हैं, GS के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा हुआ उस पर बेस्ड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो ये पूरा सिलेबस स्टूडेंट्स आप लोगों को कवर करा के दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो रिटर्न एग्जाम है इसकी हम आपको पूरी तैयारी करवा के देंगे। इसमें आपको हम कोचिंग के नोट्स हैं, कोचिंग की बुक्स है, प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, फुल कोर्स विथ रिवीजन आपको करवा के देंगे। प्लस इसमें आपको HD क्वालिटी में स्टूडेंट्स पूरा कोर्स रिकॉर्डेड भी मिलेगा 24/7, जिसे आप जब चाहें तब रिकॉर्डिंग क्लास को भी देख सकते हैं, लाइव 3 घंटे वो अलग से चलेगा। इसके बाद में स्टूडेंट जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप लोगों के कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, तो हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैसे आप लोगों को काउंसलिंग करवाना होता है, ठीक है, सारी प्रोसेस हम आपको देते हैं जब तक आपको कॉलेज ना मिल जाए। तो स्टूडेंट्स आपकी पूरी तैयारी करवा के दी जाएगी यदि आप एडिट कोर्स को ज्वाइन करते हैं हमारे कोचिंग संस्थान से। तो यह आप लोगों का सिलेबस है, आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा, ये सब आप लोगों के स्टूडेंट्स टॉपिक रहेंगे, इन टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा, आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसी एन अपडेट के साथ में। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, क्योंकि स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन अकेडमी है। बाय बाय।